coño. Hi guys, welcome to my YouTube channel GB Vlogs. आज हम बात करेंगे इस वीडियो में Hyundai की i20 facelift मॉडल 2018 जो आज की ये वीडियो होगी i20 के मॉडिफिकेशन के ऊपर होगी. जो भी हमने एसेसरी करवाई है उसकी कॉस्ट के बारे में आपको बताएंगे, क्या क्या लगवाया गया है इसमें, जिसमें काफ़ी सी एसेसरी लगाई गई है जो बहुत देखने में जो लुक आ रही है बहुत ही बेहतरीन आ रही है. इस चीज़ को मैं देखकर बड़ा खुश हुआ. मैंने सोचा आज की इसकी उन्होंने वीडियो बनाई जाए, जो हमारे दोस्त हैं व्यूवर जिसके पास i20 है वो देखकर इस चीज़ को एसेसरी वगैरह अपनी जो लगवा सकते हैं. आप देख सकते हैं इस i20 को 2018 मॉडल है जो काफ़ी बहुत अच्छी लग रही है, जो स्पोर्ट्स मॉडल में भी है ऐसे में भी आती है. जो इसका कलर लुक है ना बहुत ही प्यारा लगा मुझे, जो डार्क ग्रे कलर में है. हाँ तो भाई सबसे पहले बात करते हैं हम फ्रंट लुक की. जो हेडलाइट है इसके अंदर DRS लाइट्स लगवाई गई है जो हेलोजन में आती है. इसमें हमने LED लाइट लगवाई है जो शाम के समय जब ये लाइट जलती है तो काफ़ी अच्छी लगती है. आपको मैं जला के दिखा दूंगा कैसा लगता है इवनिंग के टाइम में. तो बात करते हैं इसके फोग लैम्प की. जो कंपनी की फिक्चर में आता था हेलोजन में आता था येलो कलर का, जो मैंने LED में लगवाया हुआ है जो व्हाइट कलर का ब्राइटनेस देता है बहुत ही अच्छा लगता है. करते हैं साइड प्रोफाइल की. साइड प्रोफाइल आप देख सकते हैं जिसमें क्रोम का भी इस्तेमाल किया गया है. आप देख सकते हैं ये डोर के ऊपर क्रोम की गार्निशिंग लगवाई गई है. और जो बात करें डोर की तो डोर के लिए इसमें डोर गार्ड लगवाए गए हैं, बाहर से भी एसेसरी लगवाई गई है. बात करें पीछे डोर की तो एक गुच्ची वाला सांप भी लगवाया है जो देखने में काफी अच्छी लुक आती है इसको. बात करते हैं गाइस बैक प्रोफाइल की. जो गाड़ी के ऊपर की छत के ऊपर जो स्पॉइलर लगवाया गया है आप देख सकते हैं जो काफी स्पोर्टी लुक दे रहा है. इसकी जो कॉस्ट थी वो 2500 के करीब थी. ठीक है, जो हम ये लाइट है आपको देख सकते हैं पीछे की बैक लाइट जो जिसपे टेपिंग करवा रखी है जो ब्लैक कलर में आपको दिख रही है. अगर ये जलेगी या ब्रेक का प्रेशर करोगे तो जब ये जलती है तो बहुत ही अच्छी स्पोर्टी लुक देती है इसमें देखने में. इससे अच्छी बात जो मुझे खुद को अपनी पसंद लगी, जो मेरे को चेंज करने की जरूरत नहीं है, मतलब जो जब ये गाड़ी कभी कहीं से निकलती तो बैक प्रोफाइल इतनी अत लगती है ना तो देखने वाला ये बोलता है ये चीज़ आपने कहाँ से लगवाई थी. जो आपको चीज़ मैं दिखाना चाह रहा हूँ आप देख सकते हैं गाइस ये हमने डिफ्यूज़र लगवाया रखा है. ऐसे लुक आती है कि इसमें लगता है कि दो साइलेंसर लगवाए गए हैं जो स्पोर्टी लुक देती है पीछे स्पॉइलर की वजह से और ये डिफ्यूज़र की वजह से. तो बात करूँ गाइस जो बैक की लाइट है बम्पर के पीछे रिफ्लेक्टर लाइट जो लगी है बहुत ही अच्छी, जो नंबर के लिए लाइट होती है उसकी शेप में ये लगवाई गई है जो जगने के बाद बहुत ही अच्छी लगती है, जो स्पोर्टी लुक देती है. लैम्बोर्गिनी की जला चलती है ये. इसकी कॉस्ट की बात करूँ तो ये कम से कम 1400 से लेके 1600 रुपए के बीच में ये लग जाती है. गाइस बात करता हूँ मैं इसके अंदर की प्रोफाइल की, जो हमने क्या क्या चेंजेस करवाई गई है. इसके अंदर हमने जो सीट कवर है वो चेंजेस करवाए गए जो स्पोर्टी लुक में. इसको डबल ट्विन के अंदर हमने चेंज करवाए हैं और इसके अंदर हमने एम्प भी लगवाया है जो काफी बेहतरीन आवाज देता है. जो आप देख सकते हैं जो इसके मैट मोटिव है वो भी हमने चेंजेस वगैरह करवाई गई है. काफी अच्छी फिनिशिंग ब्लू लाइट में दिखती है और रात के समय ये पर्पल कलर में नजर आती है. गाइस आप देख सकते हैं हमने ये व्हील कवर भी लगवाया गया और व्हील रोटेटर भी लगवाया गया जो काफी अच्छी लगती है. गाइस ये आपको वीडियो देखकर कैसे लगी, जो हमने जो एक्सेसरी लगवाई थी आपको कैसे लगी कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं. अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें. अब मैं आपको जो भी ये लुक आती है रोड के ऊपर चला के दिखा दे तो आपको भी समझ में आ जाएगी क्या स्पोर्टी लुक देती है. आओ तो फिर ड्राइव करते हैं. Thank you.